नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस मैगज़ीन जिसका नाम है प्रतियोगिता किरण, इससे देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। ये इशू है नवंबर 2018। तो आप देख ही सकते हैं, इसमें यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, इंश्योरेंस और फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इसको रिकमेंड किया गया है कंपनी की तरफ से। और ये जो सॉल्व पेपर वगैरह हैं, इससे भी आपको काफ़ी मदद मिल सकता है। लेकिन बात यह है कि ये मैगज़ीन अगर हम लोग थोड़ा इसका मोटाई देखें तो इतना है, मतलब आप सोच ही सकते थे कम से कम 250-300 पेज तो होंगे ही। अब इतना पढ़ने के बाद अगर कोई एग्ज़ाम देने जाएगा उसका क्या होगा? तो इसलिए हम लोगों ने ये जो मैगज़ीन है इसका क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, ये थोड़ा इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश किया है मैंने। तो फिर चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रतियोगिता किरण 2018 नवंबर महीने का जो है इसका 11वीं पेज पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए लिखा ही है 11वीं पेज। इसमें आप देखिएगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, इसका फुल डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। इसमें जो एक नंबर, दो नंबर, ये जो मैंने पॉइंट हरे कलर से मार्क किया है, ये आप ज़रूर पढ़ लेना। ये कम से कम आपको याद रहना ही रहना है, इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की तरह कह रहा हूँ कि 60-40% फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटीज विद देयर ओन लेजिस्लेचर, मतलब जो जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी, वो लोग जिसके पास ओन लेजिस्लेचर है यानी विधानसभा है, उसको 40% इस स्कीम का देना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी। और 90-10 मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जैसे कि मेघालय हो गया, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, ये सब वगैरह हो गए। और 3 हिमालयन स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड। ये सारे चीज़ें जो जो मैंने मार्क किया है आपको बिल्कुल जबानी याद रहना चाहिए। मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा ऊपर से। पहले पेज हमने 11 नंबर पढ़ लिया, इसके बाद देखते हैं कौन सा पेज पढ़ना है। फिर आप आ जाइए इसी इशू का 18 नंबर पेज, यानी पेज नंबर 18, जिसमें श्री रंजन गगोई जी का जो CJI बनने की न्यूज़ है, बिल्कुल जायज़ है। और अगले 2-3 महीने में जितने भी एग्जाम्स होने हैं यानी कि जनवरी तक, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद बिमल जालान जी, जो कि पहले मतलब भूतपूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं, उनको एक पैनल का मतलब चेयरमैन बना दिया गया है। थोड़ा पढ़ लेना पैनल का क्या काम है क्या नहीं है। फिर 18 नंबर पेज में ही नीचे आए कमलेश नीलकांत व्यास, जो फिर मतलब DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का मतलब कमीशन का सेक्रेटरी बन चुके हैं। ये थोड़ा न्यूज़ अच्छा है, ये मतलब एग्जाम में आने की फुल चांसेस हैं। फिर पेज नंबर 19 यानी पेज नंबर 19, यहाँ पे डॉक्टर आरिफ अलवी जी हैं, जो कि हमारे नेबर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ये आने की बहुत सारी चांसेस हैं। और फिर अवार्ड्स और ऑनर्स में विलेज रॉकस्टार इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर 2019। हालांकि आज तक कोई फिल्म मतलब इंडिया का बहुत ही इशू तो या फिर एंट्री तो हो चुका है, लेकिन जीतने की आसार मतलब देखे नहीं अभी तक। और फिर नया पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर 20 यानी 20, जहां पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 में किन किन को मिल चुका है, ये जरा पढ़ लेना। देखिए अगर आप द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्ड पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इतना याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आ सकता है। और फिर इसी पढ़ने पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 70th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स। इसमें देखिए जो थिएटर का नाम है वो है माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, और इसमें जो ड्रामा को आउटस्टैंडिंग अवार्ड मिला है वो है गेम ऑफ थ्रोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स इंडिया में बहुत देखे जाते हैं। उसके बाद पेज नंबर 21 पे आ जाइए, केरला टूरिज्म, जो एक मतलब गल्फ और पैसिफिक रीजन में जो अपना एड चला रही है, यल्ला केरला इसका नाम है।
और जिसके वजह से उसको गोल्ड अवार्ड मिला है, तो फिर ये ज़रा देख लेना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजर प्लांट टू कम अप इन तालचेर। ओडिशा का ये इलाका है, यहाँ पे ये कोल गैसिफिकेशन से वो मतलब खाद वगैरह बनाए जाएंगे, ये है वो उस पर किसका कितना है देख लेना। फिर ये न्यूज़ है पेज नंबर 21 का, हेल्थ मिनिस्ट्री टाइज अप विद डेल टाटा ट्रस्ट टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर NSD। मतलब ये एक डिजीज के मतलब रोकथाम के लिए इन लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब जो मतलब छूत के बीमारी वगैरह जैसे नहीं है, जो फैलते नहीं है, मतलब कम्युनिकेशन से फैलते नहीं है, अच्छा ऐसा कुछ बात होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इसरो, मतलब अगले पेज पेज नंबर 22 पे इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मॉडर्नाइज करने के लिए थोड़ा एक मऊ साइन किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज़ के लिए, ये अपना टेक्निकल एक्सपर्टीज देगा ICER, यानी कि इंटीग्रेटेड काउंसिल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, अगर कुछ आपदा वगैरह हो गया तो उसके लिए ये काम आएगा। और उसके बाद ये गवर्नमेंट मॉडिफाइज ऑपरेशन गाइडलाइंस फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना जो है वो कंपनी फसल मतलब नुकसान होने पर सही वक्त पे पेमेंट नहीं करती है, बहुत घुमा घुमा के करती है, तो इसलिए इन लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ने ये नया रूल लाया है कि अगर सही टाइम पे पेमेंट मतलब बीमा राशि का भुगतान नहीं हुआ तो 12% की मतलब 12% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा कंपनी को। वैसे ही कुछ और भी थोड़ा बहुत पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट मैंने मार्क किया है ये जरा आप जरूर पढ़ लेना, पेज नंबर 22। और फिर पेज नंबर 23 में आइए, देखिए होम मिनिस्ट्री लॉन्चेस ई सहज पोर्टल, ये थोड़ा पढ़ लेना किस बात के लिए है, ये सर्च फॉर ग्रांट सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर टू प्राइवेट फर्म्स, ये वाला हो गया। और फिर इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट फेंस पायलट प्रोजेक्ट, जो इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट फेंस पायलट प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के बॉर्डर में डाली गई है, और फिर ये सितंबर 17 को ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने डाला है, यही बात है। और फिर गवर्नमेंट लॉन्चेस चिलर स्टार लेवल लिंक प्रोग्राम, मतलब स्टार लेवलिंग प्रोग्राम टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, ये मतलब किस बारे में है, चिलर स्टार लेवलिंग प्रोग्राम क्यों है ये थोड़ा देख लेना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऐसे कुछ बात है। उसके बाद पेज नंबर 23 में ही देखिए कि पीएम मोदी इनॉग्रेट सिक्किम्स फर्स्ट एवर एयरपोर्ट, मतलब सिक्किम में पहले कोई एयरपोर्ट था नहीं, कहाँ पे बनाया गया है, पैखियांग गांव के ऊपर में कुछ 60 किलोमीटर फ्रॉम मतलब इंडो चाइना बॉर्डर है, यहाँ पे वो सेना को भी मदद मिलेगा इससे। तमिलनाडु बैन सेल ऑफ ई सिगरेट, बहुत ही अच्छा स्टेप है और ये एक मतलब अच्छा क्वेश्चन है जो आ सकता है। और फिर CCEA अप्रूव्स 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉडगेज रूट्स। और पेज नंबर 24 फिर आ जाइए, उसमें इलेक्शन कमीशन रिमूव्स नोटा, मतलब नो वन मतलब क्या बोलते हैं इसको, नॉन ऑफ द अबोव, ये ऑप्शन है जो राज्यसभा पोल से हटा दिए गए हैं और सारे पोल्स में ये है। उसके बाद 24 नंबर पेज में ही नीति आयोग इंटेल एंड TIFR टाई अप टू सेटअप मॉडल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव AI। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मतलब हम लोग जब कॉल सेंटर में फ़ोन करते हैं तो फिर जो वॉइस हमें रिस्पांस देती है, नमस्कार आपका एयरटेल में स्वागत है वगैरह वगैरह, तो उसको AI कहते हैं। तो ये सारे AI कैसे हमारे देश की उन्नति में लगाए जाएं, इसके लिए थोड़ा रिसर्च वगैरह नया तरीके वगैरह ईजाद करने के लिए ये वाला चीज़ किया गया है। याद रखिए ये क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल है। अब पेज नंबर 24 में ही प्लेसेस इन न्यूज़ में देखिए, जहाँ पे लिखा है कि तेलंगाना सदरमठ एनीकुट और पिड्डा चेरेवू गेट हेरिटेज इरिगेशन। देखिए हेरिटेज स्टेटस तो शहरों को मिलता है, बिल्डिंग को मिलता है, लेकिन आज ये पहली बार है जो फिर इरिगेशन मतलब जो कैनाल है उसको भी हेरिटेज स्टेटस मिल गया है, तो फिर आप ये पढ़ लेना। और ये बैरेज किस रिवर पे है, गोदावरी रिवर पे है, देख लेना कब कितना साल में बना था, कौन सा इंजीनियर थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप इंटरनेट में सर्च कर लेना, अगर आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है इतना छोटा मतलब लिखाई है।
उसके बाद आता है राजस्थान फर्स्ट लायन सफारी इनागोरेटेड इन नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, मतलब ये एक पार्क है, इसका नाम अभी न्यूज़ में आ चुका है। तो फिर ये पार्क कहाँ है, कैसा है, क्या क्या इसमें, कौन कौन से जानवर इसमें मिलते हैं, ये सारे चीज़ें आपको याद कर लेनी है कम से कम 2-3 महीनों के लिए। बेंगलुरु एयरपोर्ट सेट टू बिकम फर्स्ट इन एशिया यूज फेस रिकॉग्निशन एज बोर्डिंग पास, मतलब फेस रिकॉग्निशन करने के बाद उसको बोर्डिंग मिल जाएगा और कोई पास वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ये एक क्वेश्चन है। अब पेज नंबर 25 में बुक्स एंड ऑथर्स के अंडर में अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार बाय मारिया शरापोवा, ये टेनिस के ऊपर पीएससी का बहुत मतलब नज़र होता है, तो फिर ये टेनिस के ऊपर कुछ भी बुक हो, कुछ भी टेनिस ग्रैंड स्लैम हो, ये क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, तो कह सकते हैं ये अच्छा है। और फिर नेक्स्ट बुक है जो बॉब वुडवर्ड्स का बुक ऑन ट्रंप द हाइस्ट सेलिंग टाइटल इन द पब्लिशर्स हिस्ट्री, मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर जो बुक उन्होंने लिखा है बॉब वुडवर्ड्स, उसमें वो बहुत बढ़िया बिक रहा है, यही है न्यूज़। अच्छा, और फिर वही पेज, पेज नंबर 25 पे रिपोर्ट्स एंड सर्वेज में इंडिया थर्ड मोस्ट हिस्ट इन द वर्ल्ड बाय टेरर, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज से इंडिया थर्ड नंबर पर है, फर्स्ट है इराक, उसके बाद है अफगानिस्तान और उसके बाद है इंडिया। 53% अटैक्स जो इंडिया में होते हैं उसका 53% माओइस्ट करते हैं, और फिर जो डेडली टेररिस्ट ग्रुप जैसे इस्लामिक स्टेट, तालिबान, अल शबाब, ये लोग भी इसमें शामिल हैं। फिर पेज नंबर 26 पे आते हैं 26, जहां पे लिखा है इंडिया रैंक्स 130 इन यूएनस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब ये इंडेक्स कौन निकालता है, मतलब कौन पब्लिश करता है, और यूएन का बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इसका मतलब क्या है, एचडीआई वैल्यू कैसे इसको मतलब मिलता है वगैरह वगैरह, ये सब आप देख लीजिए। और इस मतलब साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया के बाद कौन से देश हैं और कौन से देश इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं और नीचे से भी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, ये सब आप देख लेना। और इसके बाद आते हैं मतलब 27 नंबर पेज यानी 27वें पन्ने पर, जहाँ पे लिखा है कि मतलब ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब हम लोग बस हमको थोड़ा अच्छा लगेगा ये सुनने में कि इंडियन इकोनॉमी यूएस से भी आगे निकल जाएगा 2050 में, सबने देखना अच्छी बात है। और उसके बाद आता है आईजीआई एयरपोर्ट 16th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, मतलब 16वीं नंबर पे आता है, और फर्स्ट पे आता है यूएस का एयरपोर्ट, थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर का मार्क किया है या हरे रंग का जो यहाँ निशान है, ये थोड़ा पढ़ लेना आप पेज नंबर 27 पे। और उसी पेज के इस तरफ अगर आइए, इंडिया हैज़ ओनली 19 जजेस पर 10 लाख पीपल, मतलब 10 लाख लोगों पे सिर्फ 19 जज ही इंडिया में अभी अवेलेबल हैं। फिर से पेज नंबर 28 पे आ जाइए, उसमें दिखा है मिसलेनियस हेडिंग्स के अंडर में इंडिया फ्रांस साइन मो टू फॉर्म वॉकिंग ग्रुप फॉर गंगायान मिशन, वो जो गंगायान मिशन में जहाँ पे इंडिया अपना एस्ट्रोनॉट्स भेजेगा मतलब स्पेस में और फिर वापस भी लाएगा, तो उसके लिए फ्रांस के साथ भारत का एक मतलब इसरो के साथ वो जो फ्रांस का एक MOU हो चुका है। यहाँ पे फ्रेंच कंपनी का नाम भी लिखा है ग्रीन कलर में, ये थोड़ा अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। और 28 नंबर पेज पे ही देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंसेस स्कीम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एक्जोटिक नील कुरिंजी प्लैनेट्स, ये जो प्लांट है ये 12 साल में सिर्फ एक ही बार इसका फ्लावर आता है और इसका कमर्शियल वैल्यू भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, तो ये बचाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है। और इसको सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में 16 फॉरेस्ट और ईस्टर्न घाट्स में भी कुछ जगह पर मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है UPSC के नज़रिए से, मतलब आप समझ लें कि ये क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अगले पेज पे 29 नंबर पेज पे हेडिंग्स के अंदर में है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर शॉर्ट रेंज प्रहार मिसाइल, ये प्रहार मिसाइल शॉर्ट रेंज है, इससे कम भी मतलब दूर जाने वाला एक मिसाइल है और इससे ज़्यादा भी है, मतलब ये दोनों मिसाइल में एक इससे कम छोटा वाला और इससे बड़ा वाला के बीच में ये लिंक जैसे काम करेगा, जैसे कि ये पिनाका इससे कम है, मतलब पिनाका मिडिल रेंज है और पृथ्वी और पिनाका के बीच में ये प्रहार घुस गया है, ऐसे भाई मतलब समझ लीजिए कि 3 भाई हो गए हैं। तो ये मिसाइल क्या है, इसमें कितना पेलोड लग सकता है, क्या ये न्यूक्लियर वेपन ले सकता है नहीं ले सकता है, इसमें कैसे कंप्यूटर्स वगैरह हैं, ये थोड़ा यहाँ पे लिखा है, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है UPSC और फिर किसी भी स्टेट PSC का व्यू से आप देख लीजिए। साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रो मिनिएचर ह्यूमन
ऑस्फागस इन लैब, मतलब वो जो फूड पाइप होता है जिससे हम खाने के बाद वो फूड सीधा स्टोमक में जाता है, वैसे कुछ पाइप इन लोगों ने डेवलप किया है। कहाँ का साइंटिस्ट है वगैरह वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा। और फिर ये जो उसके बाद एक क्वेश्चन है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा है, मतलब एग्जाम में शायद ही कभी नहीं आएगा। ये बिलियनियर टू फर्स्ट प्राइवेट पैसेंजर इन स्पेस एक्स लूनर BFR मिशन, मतलब वो एक स्पेस एक्स कंपनी है जो अमेरिका का है, जो मतलब लोगों को स्पेस में घुमाएगा, तो उसमें घूमने के लिए जापानीज के एक बिलियनियर अभी से नाम लिखा चुके हैं, शायद पैसे भी दे दिए होंगे। और उसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पेज नंबर 29 में ही, तेजस सक्सेसफुली कम्प्लीट्स फर्स्ट एवर मिड एयर रिफ्यूलिंग, मतलब जो क्या होता है कि हमारा एयरफोर्स का पास अभी तक ये फैसिलिटी था नहीं कि वो एयर में जाके अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तो उसको वापस ज़मीन पे आना पड़ता था। अभी एयर में ही एक ऐसा एक मतलब फ्लाइंग पेट्रोल पम्प जैसे बनाया गया है कि एरोप्लेन जाएंगे वहाँ पर और पेट्रोल लेंगे या फिर अपना काम करेंगे, तो वही वाला चीज़ यहाँ पे बताया गया है, आप ज़रा देख लीजिएगा। फिर उसके बाद वाला है इसरो अनवेन स्पेस सूट क्रू मॉडल फॉर गंगायान मिशन, मतलब वो इसके बाद पेज नंबर 30 पे आते हैं ना, वो 30 पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है साइक्लोन 30, सुन के ही लगेगा कि कोई साइक्लोन अवेयरनेस प्रोग्राम है या फिर कुछ मतलब वार्निंग स्टेशन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। इसका असली वजह है कि साइक्लोट्रॉन जो भी कैंसर के रोकथाम के लिए कुछ रेडियो आइसोटोप वगैरह बनाएगा, तो ये बिल्कुल आपको मतलब ठगने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। और फिर देखते हैं जर्मनी रोल्स आउट वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, इसमें मज़े की बात यह है कि ट्रेन जर्मनी का है लेकिन बनाया है फ्रांस के कंपनी ने, उसका नाम देख लीजिएगा एल्स्टॉम, और इससे ट्रेन चलने के बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मतलब पावर्ड है तो फिर इसमें वेपर और पानी निकलता है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वगैरह ये सब मिलता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा कुछ नहीं मिलता है, तो फिर इसका एमिशन ज़ीरो है। और इसके बाद ये पेज नंबर 30 में ही आता है आई रॉव टूना, मतलब जो एक अंडर वाटर बॉट है जो फिर वीडियो निकाल के कहीं पे भी सी के अंदर क्या चल रहा है ये भेजेगा, तो फिर जहाँ जहाज डूब गए हैं या फिर कहाँ क्या है ये देखने में बहुत ही सुविधा होगा। और ये फिर दिया गया है DRDO नेवल डिपार्टमेंट की तरफ से, नेवी को ऐसा ही कुछ है, आप देख लीजिए। उसके बाद का पॉइंट है इन मास डेवलप्स इंडियन फर्स्ट इंडिजेनस एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट, मतलब अगर कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाता है या फिर कुछ रेडिएशन के ऊपर अगर किसी के ऊपर रेडिएशन हो जाता है तो ये जो मेडिकल किट है इससे आपका वुंड्स भी जल्दी हील होगी और कम से कम आपको 80% या 90% तक नुकसान से बचाएगा। और थोड़ा देख लेने ये मतलब कौन सा आइसोटोप या फिर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, CS-137 एंड रेडियो थैलियम अमोंग इज द मोस्ट फियर्ड रेडियो आइसोटोप इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स, मतलब इन लोगों से ये मतलब ज़्यादा रेडिएट करता है न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होने के बाद। फिर देखते हैं बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिकमीशन्स अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर, मतलब जो रिसर्च रिएक्टर अप्सरा था उसका अभी अपग्रेडेशन करके, मतलब वो पहले 2009 में बंद कर दिया गया था, वो सुनामी जब जापान में आया था उसी चक्कर में, और इसका उम्र भी हो गया था, फिर इसको अपग्रेड करके फिर इसको काम में लाया जा रहा है, इसका नया नाम है अप्सरा-U। और उसके बाद भी बहुत सारे रिएक्टर वगैरह आए हैं। उसके बाद पेज नंबर 31 में ही गूगल लॉन्चेस न्यू सर्च इंजिन फॉर साइंटिफिक कम्युनिटी जिसका नाम है डेटा सेट सर्च, ये ज़रा थोड़ा देख लीजिएगा, ये काम की चीज़ है। और जापान लिखा है जापान टू कॉन्डक्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट इन स्पेस एलिवेटर, एलिवेटर मतलब जो हम लोग लिफ्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं वैसे ही कुछ निकालेगा, फिर आप यहाँ पे मतलब बैठ सकते हैं, फिर ऊपर आसमान में स्पेस स्टेशन वगैरह जा सकते हैं, ऐसी कुछ काम में आएगा।